इन दिनों जिले में निर्मित नए एवं पुराने ओवर ब्रिजों पर दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही है, जिसे देखते हुए इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात विभाग द्वारा एक प्रस्ताव बनाया गया है। इस प्रस्ताव को यातायात विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद बनाया गया है। बीते दिनों जिले के दुर्ग रेलवे स्टेशन के समीप बने फ्लाईओवर, उसके बाद ठगड़ा बांध पर बना फ्लाईओवर और फिर पावर हाउस भिलाई में बना फ्लाईओवर, क्रमशः तीनों ही फ्लाईओवर पर एक के बाद एक जानलेवा दुर्घटनाएं हुई, जिसने दुर्ग जिला पुलिस यातायात विभाग की नींद उड़ा दी और अधिकारी इस मामले की तफ्तीश में लग गए कि आखिर ये दुर्घटनाएं क्यों हुई। यातायात विभाग के अधिकारियों ने बहुत ही बारीकी से इन दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाया और इस नतीजे पर पहुंचे कि इन तीनों ही ओवरब्रिज में डिवाइडर नहीं है और जिन ओवरब्रिजों में डिवाइडर बने हैं वहां दुर्घटनाएं ना के बराबर होती हैं। इसे देखते हुए दुर्ग जिला पुलिस यातायात विभाग ने शासन को एक प्रस्ताव बनाकर भेजा, जिसमें यह कहा गया है कि इन सभी फ्लाईओवर्स में डिवाइडर बना दिए जाएं। परंतु पावर हाउस भिलाई में स्थित फ्लाईओवर में सिर्फ डिवाइडर ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे फ्लाईओवर को संधारण की जरूरत है, क्योंकि इस फ्लाईओवर के दोनों तरफ लगी हुई सुरक्षात्मक ग्रिल भी असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी कर ली गई है, जिससे दुर्घटनाओं का अंदेशा लगातार बना रहता है। यातायात विभाग द्वारा की गई इस पहल की जानकारी दुर्ग जिला पुलिस यातायात विभाग के उप पुलिस अधीक्षक गुरजीत सिंह ने मीडिया को दी। देखिए, अभी पिछले दिनों जो फ्लाईओवर हैं उनमें रेलवे ओवर ब्रिज में और ठगड़ा बांधा ब्रिज पे कुछ दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें कुछ लोगों की जान गई है, 4-5 लोगों की। उसको देखते हुए ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया गया था, जिसमें निर्माण एजेंसी, RTO और पुलिस के अधिकारी थे। उसमें ये पाया गया कि अगर इन ब्रिजेस पे डिवाइडर बना दिया जाए तो दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। इसके उदाहरण भी हमारे पास है, वाईसेक ब्रिज है और पुरगांव नाला है। पुरगांव नाला में भी एक्सीडेंट हो रहे थे, लेकिन जब से उस पर डिवाइडर बनाया गया उसके बाद दुर्घटनाएं बंद हो गई हैं उन पर। तो हमारे द्वारा इसके लिए पहल किया गया और एजेंसी को बताया गया है कि आप फ्लाईओवर के बीच में डिवाइडर बनाएं। लाइक अभी नेहरू नगर ओवर ब्रिज है, ठगड़ा बांध ओवर ब्रिज है, इसमें बीच में डिवाइडर बनाने के लिए उनको कहा गया है और उनके द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। इन तीनों ही दुर्घटना स्थल को देखने के बाद यह बात साफ हो जाती है कि इन तीनों ब्रिजों पर डिवाइडर नहीं है, जिसकी वजह से वन वे ट्रैफिक ही यहां संचालित होता है और यही दुर्घटना का कारण बनता जा रहा है। जरूरी होगा कि शासन भी इस मामले को संज्ञान में ले और जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए, जिससे दुर्घटनाओं के आंकड़ों पर कमी आ सके। ग्रैंड एसए न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।